तुझसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ऊटी में आज हमारा डे टू है। कल इवनिंग में जब आए थे तो वही नॉर्मल सा ही डिनर वगैरह किए थे। डिनर वगैरह करने के बाद आराम से आके सो गए। फिर सुबह उठे, ब्रेकफास्ट तो हमारे होटल में इंक्लूड नहीं था तो बाहर ही जाके किए थे। तो नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट किए थे, छोले भटूरे और मोहित ने किया सैंडविच, जो कि आप लोगों ने उसके वीडियो में देखा ही हो, इसलिए मैं उतना शूट करा नहीं। तो अभी आ गए हैं ऊटी से कोनूर जाने के लिए बाई टॉय ट्रेन, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम जर्नी होगा। ज़्यादा नहीं, एक घंटे का ही जर्नी है। और पीछे देख सकते हो, ये रेलवे स्टेशन है उद्गम मंडलम, मतलब ऊटी का ही पुराना नाम उद्गम मंडलम। तो अभी हमारा टाइम है 4:45 का हमारा ट्रेन है। तो अभी टाइम है तो वेट करते, जैसा जो होगा अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो मेरा अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। तो ट्रेन मेरा आ जाता है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली अपना ट्रेन जैसे कि देख सकते हो आ रहा है। अब ये रुकेगा तो इसके अंदर ही जाएंगे और इसी को कहते हैं टॉय ट्रेन। सच में एकदम यूनिक सा ट्रेन है जो कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और सीट कितने छोटे छोटे, मतलब बसेस जैसे होते हैं ना, 2x2 जैसे सीट है। बाकी बढ़िया लग रहा है, मतलब अलग ट्रेन लग रहा है। टॉय ट्रेन का मतलब ही एकदम छोटा सा ट्रेन, जैसे कि मैंने मूवीज़ वगैरह में मैंने देखा और काफ़ी वीडियोज़ भी मैंने देखा है, बट ये ठीक उसी तरह ही है। ऑब्वियसली हमारे टॉय ट्रेन देखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम जर्नी हो रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं टॉय ट्रेन के अंदर जा रही हूँ और ट्रेन तो फुल पैक है भाई। चलिए चलते हैं इसके अंदर। अपना सीट सबसे लास्ट में मिला है, खैर कोई नहीं, पूरा पैक था। बहुत मुश्किल से भी दो टिकटें मिली है। तो ये देख सकते हो तो बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है और सामने लिखा हुआ आई लव ऊटी। बढ़िया, अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, होगा अभी स्टार्ट। हमारा सीट ये है और ट्रेन का इंटीरियर डिज़ाइन देख सकते हो। ट्रेन में आते ही हम लोग को ऐसा स्नैक्स का स्नैक्स मिल गया, जैसा कि देख सकते हो नीलगिरी माउंटेन रेलवे। इसके अंदर फ्रूटी है, माजा है, सॉरी पता नहीं, शायद कुछ चॉकलेट वगैरह होगा, देखना होगा। और ये ब्रिटानिया ट्रीट कुकी क्रीम बिस्किट है। अरे वाह, और साथ ही साथ की चेन भी है साथ। बस यही है इस बॉक्स में। बढ़िया, एक घंटे सफर के लिए इतना इनफ है। फाइनली हमारा ट्रेन निकल चुका है। कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और वैसे मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में कुछ म्यूज़िक मैं ऐड नहीं करूँ, सिर्फ ट्रेन का जो आवाज़ होता है ना वही मैंने सोचा, चलो रॉ वीडियो ही रखते हैं इसको, इसमें कोई म्यूज़िक ऐड नहीं करेंगे। जहाँ थोड़ा ज़रूरत लगेगा वहाँ ऐड करेंगे। तो आप लोग कुछ नज़ारे इन्जॉय करो, मैं भी थोड़ा टॉय ट्रेन के नज़ारे इन्जॉय करती हूँ। मिलेंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही आप लोगों को कहा कि मैं ये रॉ फुटेज पूरा एडिट करने वाली हूँ, तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। वैसे इसमें ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह ऐड नहीं होंगे। तो आप लोग इन्जॉय करो, जैसा जो होगा आगे बताएंगे आप लोगों को। तब ले स्टेशन वाइज, तो यहाँ एक और टॉय ट्रेन है। ये हमारा टॉय ट्रेन, ये अनदर टॉय ट्रेन है। काफ़ी मज़ा आ रहा है टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं गाइस, तो नज़ारे कमाल के देखने को मिल रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपना जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। जैसा भी लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नज़ारे काफ़ी कमाल के लग रहे हैं ना।
वैसे गाइज मैं इसके हॉल्ट की मैं बात करूँ तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे उतना हॉल्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं ज़्यादा हॉल्ट दिखा भी नहीं पा रही हूँ। मैं तो बस अपना जर्नी इन्जॉय कर रही हूँ और जैसे भी रुक रहे हैं ना छोटे छोटे स्टेशन पे तो छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब जैसा स्टेशन होता है ना वैसा तो नहीं है बट छोटा छोटा, मतलब बहुत यूनिक एक्सपीरियंस लग रहा है। मैं आप लोग को बोल के वो चीज़ नहीं बता सकती। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक स्टेशन से हमारा ट्रेन क्रॉस कर रहा है और काफ़ी क्यूट सा छोटा सा स्टेशन बना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और एक बात मैं बता दूँ, ये स्टेशन जो भी है मैं आप लोगों को नाम बता दूँगी। वैसे ही हमारे स्टेशन मास्टर जो कि हरी झंडी दिखाते हैं ना वो है, और ये स्टेशन का नाम देख सकते हो आर्वा कांडू स्टेशन का नाम है, तो बहुत ही यूनिक नाम भी है। तो ये हमारा ट्रेन वेलिंगटन ब्रिज से क्रॉस कर रहा है, जैसे कि देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है जो कि मैं स्पीचलेस हूँ, बोल भी नहीं सकती। पता नहीं आप लोगों को मेरा आवाज़ आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट अल्टीमेट एक्सपीरियंस मैं बोल सकती हूँ अपनी लाइफ का। बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रेन का जर्नी मैंने करा है लेकिन ये टॉय ट्रेन का जर्नी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बातों बातों में हम लोग अपने लास्ट स्टॉपेज में पहुंच चुके जो कि कुन्नूर है। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा कि तो छोटा सा प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो अब वीडियो को डायरेक्ट स्टेशन से निकल मतलब ट्रेन से निकलने के बाद कंटिन्यू करते हैं। कितनी फवल मार रही हो पता नहीं बट आप लोग थोड़ा वो एडजस्ट कर लेना। वैसे मैं ट्रेन से उतर जाते हैं, वीडियो को उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो अभी वीडियो निकलने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोग कुन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं यही हमारा टॉय ट्रेन था। काफ़ी मज़ा आया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंने टॉय ट्रेन में सफ़र करा तो काफ़ी मज़ा आया। तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे फिर वापस हम लोग को दिल्ली जाना है, तो देखते हैं जैसा जो करेंगे आप लोग का शेयर करेंगे। तब तक अगले वीडियो बने रहिए। वैसे मैं अपना स्क्रीन से बात करूँ तो काफ़ी मज़ा आ गया टॉय ट्रेन का में ट्रैवल करके। आप लोग अगर उल्टी आते हो तो आप लोग टॉय ट्रेन में ज़रूर राइड लो, बहुत मज़ा आएगा। और वैसे हम लोगों ने कैब ले लिया है अपने होटल के लिए, खाने का सोचे थे बट खाने के लिए क्या ही खाएंगे, अब हम लोग डायरेक्ट जाके डिनर ही कर लेंगे। तो वैसे हम लोग जा रहे हैं अभी होटल की तरफ। बस टॉय ट्रेन के राइड लेने के लिए हम लोग बस कुन्नू मतलब उद्गम मंडलम में आए थे। तो फाइनल और डिनर के लिए थल्लासेरे रेस्टोरेंट में आ गए। पता नहीं मैं प्रॉन्स इसे कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ का बोला जाता है कि फेमस रेस्टोरेंट है और इसका आप मेन्यू देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, नॉर्मल प्राइस ही है जैसा मैं बोलूँगी। तो हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर मेरा आ जाएगा तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को क्या मैंने ऑर्डर करा। वैसे रेस्टोरेंट का ये एम्बियंस है बढ़िया है, ख़राब नहीं है, बढ़िया। तो मेरा खाना आ जाता है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चिकन है ये, परोठा, ये चिली चिकन, परोठा, अप्पम। तो ये हमारा आज का डिनर होने वाला है, तो चलिए डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद खाना वगैरह तो हो गया है डन। खाना कैसा लगा? ठीक था। मैंने केरला में भी ट्राई किया हुआ है ना, तो केरला वाला टेस्ट तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन ठीक है। ओके चिली चिकन थोड़ा ओके सा था, लेकिन अप्पम और पराठा बहुत अच्छा था, परोठा बहुत अच्छा था। ये देख सकते हो नाइट व्यू हमारे रूम से, होटल का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। और डिनर की मैं बात करूँ तो डिनर तो आप लोगों को मैंने दिखाई जो मैंने किया डिनर, और अब यहाँ पे आज ही है, दो दिन से यहीं थे, अब कल हमें निकलना है। तो जैसा भी दो दिन तो बहुत अच्छा ही रहा, इतने गर्मी माहौल से निकलने के बाद इतने ठंड माहौल में आके एकदम अलग सा टेम्परेचर चेंज हो गया। चलो कोई नहीं, बढ़िया एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मेरा वैसे ऊटी में था, तो जो जो जगह विज़िट करना था वो सारी जगह तो विज़िट नहीं कर पाए। गार्डन वगैरह भी था फेमस का, तो वो सारा हम लोगों ने नहीं करा क्योंकि गार्डन वगैरह में अपने को इंटरेस्ट नहीं है। जितनी भी जगह हम लोगों ने कवर करा, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और मुझे भी बढ़िया लगा। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो मेरा अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल से न्यू वीडियो का स्टार्टिंग होगा। तो अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।